तो गाइज़ फाइनली रेडमी 7 ने एक नया डिवाइस और लॉन्च कर लिया है अपना, जो कि चाइना में, और उसी के साथ जो कि है रेडमी नोट 7 और रेडमी 6 के बाद इसने रेडमी 7 का लॉन्च किया है। पिछली साल चाइना में रेडमी 7 का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड रहा है रेडमी 6 को लेके, रेडमी 6 प्रो को लेके, और इसलिए इन्होंने अभी इस रेडमी 7 निकाला है। तो अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है रेडमी नोट 7, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब जो यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और 48 मेगापिक्सल, जो खुद ही में एक बड़ी बात है, 48 मेगापिक्सल, पहले 48 मेगापिक्सल का इस नोकिया ने निकाला था, उसके बाद जो कि वो इतना सेट नहीं बिका, मगर अब रेडमी बाय शाओमी ने निकाला है तो वो गाइस तहलका मचा दिया है पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। तो चलिए आज हम यही बात करेंगे रेडमी 7 को लेके कि इसमें क्या क्या आपको प्राइस मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है, और आपको जो कि है क्या इसमें नया देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइज पूरी वीडियो जो कि चाइनीज़ में है, चाइनीज़ ऑडियो में है, तो मैं इसको थोड़ी थोड़ी बीच में से काट के आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। और ये चाइनीज़ बनता कहीं कहीं देखा लग रहा है, तो गाइज़ ये ज़रा इसकी फ़ोटो अगर जूम मिल जाए ना तो, हाँ गाइज़ ये इसकी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, तो ये दिखेगा इसकी फ़ोटो गाइज़ है ना, ये वही बंदा जो बीच में आपको दिख रहा है जिसने 7 लटका रखा है, और ये हम साथ में, हमारी टीम गई थी रेडमी नोट 7 प्रो के लॉन्च इवेंट में। में सीधा स्पेसिफिकेशन पे आता हूँ, सीधा ही कैमरा क्वालिटी पे आता हूँ, और सीधा ही आपको प्राइसिंग वगैरह में बताता हूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइज आपको इसमें 6.26 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, और इसमें जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाता है जैसे कि रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 प्रो में है। और इसमें जो कि ये वाटर ड्रॉप नॉच के ऊपर ही आपको एक कैमरा मिलता है, कैमरा के ऊपर आपको एक स्पीकर मिलता है, कैमरा जो कि 8 MP का मिलता है, और ये काफ़ी अच्छा कैमरा है। मतलब मे बी ये सिंगल कैम ड्यूल कैम का भी काम कर रही, मतलब जैसे सिंगल पोर्ट्रेट मोड आता है ना गाइस, वैसे ही शायद ये काम करे। और 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है फ्रंट में। अब बैक कैमरा की बात हम बाद में करेंगे, तो गाइस अगर इसमें प्रोसेसर अच्छा होगा तो कैमरा क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। जितना प्रोसेसर अच्छा होगा उतने ही आप इसमें गेमिंग वगैरह या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह रन कर सकते हैं। तो गाइस हम बात करेंगे इसमें प्रोसेसर की, इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा, स्नैपड्रैगन का 415 लगा या 660 लगा या 710 लगा है, कुछ भी देखते हैं। चलिए गाइस प्रोसेसर के बारे में बात तो करते गाइस हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्नैपड्रैगन यानी प्रोसेसर के बारे में। तो गाइस सबसे ज़्यादा प्रोसेसर है इसमें, आपको अगर प्रोसेसर मिलता है या इसमें मिलता है 632 का प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का, और जो कि इसमें काफ़ी अच्छी बात है 632 निकाला इन्होंने। हालांकि मुझे तो लगा था ये 400 या ऐसे ही कुछ निकालेंगे, 500 512 स्नैपड्रैगन या फिर 632 का, चलो अच्छी बात है 632 का निकाला। और आगे अगर देखेंगे हम इसकी जो कि कैमरा क्वालिटी के बारे में और डिस्प्ले वगैरह के बारे में बात करते हैं आगे की वीडियो में। तो चलिए गाइस बात करते हैं हम इसके रियर कैम के बारे में। तो गाइस रियर कैम मिलता है आपको 12+2 मेगापिक्सल का, और AI ड्यूल कैम मिलता है। पीछे की तरफ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, और अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो इसमें आप रेडमी बाय शाओमी का ब्रांडिंग भी दिख जाएगा। इसमें आप ड्यूल सिम कार्ड, ड्यूल स्टैंड बाई कर सकते हो, और आपको जो कि है इसमें कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। और पीछे की तरफ गाइस आप देख सकते हो कितने शाइनी लुक है, आपको 3 कलर में मिलेंगे, या मे बी जो रेडमी नोट 7 है सेम ही कलर में आपको ये मिलेगा। तो गाइज इसमें कुछ सैंपल मिल दिखा देता हूँ मैं आपको कैमरा क्वालिटी स्केच की, आपको कैसे सैंपल वगैरह या कैसे कैसी फ़ोटो मिलेंगी इसमें। तो गाइज ये कुछ सैंपल वगैरह है इसमें, जो कि आपको छोटी छोटी डिटेल्स वगैरह दिए जाएंगे, और अच्छी बात है कि आपको कुछ मिलता है। तो गाइज अगर मैं इसकी बात करूँ कि आपको ये कौन कौन से वेरियंट में मिलेगा, तो गाइज आपको ये 2 GB 3 GB और 2 GB 3 GB और 4 GB के वेरिएंट में मिलेगा। तो तीनों की प्राइसिंग अलग अलग होगी, इंडिया में अलग होगी और चाइना में अलग होगी, अलग अलग प्राइसिंग है। तो गाइज इसमें बैटरी आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। माइक्रो USB केबल मिलती है, और फास्ट चार्ज का पता नहीं गाइज सपोर्ट करता है नहीं करता, क्योंकि ये बंदा पूरा चाइनीज़ बोल रहा था। तो चलिए अब इसमें प्राइस के बारे में बात करता हूँ। तो गाइस बात करते हैं प्राइसिंग को लेके, तो 2 GB+16 GB का मिलता है आपको 699 युवान, यानी 7000 इंडियन वेरिएंट के, इंडियन रुपीस के आसपास मिलता है। और अगर आप बात करें 3 GB+32 GB मिलता है 799 युवान, यानी 8000 के आसपास। तो उसके बाद तक अगर आप 4 GB+64 GB लेते हो गाइस, उसको आपको मिलता है 10000 या 11000 तक की गाइस प्राइस लगा के चलो आप, अगर आप लेते हो 4 GB+64 GB। तो युवान चाइनीज़ युवान है 899 हो सकता है कुछ है। तो गैस अब मैं बात करूँ इंडिया में लॉन्च डेट को लेके, तो गैस इंडिया में लॉन्च डेट मे बी 1 अक्टूबर या नवंबर, कुछ भी हो सकता है, दिसंबर में भी आ सकता है, जैसे रेडमी 5A आया था रेडमी नोट 5 के बाद।
तो गाइस जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है इसको लेके तो मैं एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो नया नया वीडियो बनाऊंगा मैं रेडमी 7 को लेके कि इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख लीजिए। तो गाइस चलते हैं अभी के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अभी के लिए इतना ही है, आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और उसके साथ जो कि बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टाटा एंड गुड बाय।